हे फैमिली, तो वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, पटना में चल रहा है हमारा धराधर शॉपिंग। छठ के लिए बहुत कुछ ले रहे हैं हम लोग। लेटेस्ट कपड़ा ये जिम्मी टू, उसको कपड़े के नाम से आ रहा है। देख, जिम्मी टू कपड़े का नाम। जो नीचे दिखा है वो सीमर सिफोन का। ये सबसे नीचे दिखाए थे कांजीवरम सिल्क, जो आपने बोला सिल्क। तितली, ए तितली 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 तितली, ये गाइस ये देखिए। निशा को अभी जस्ट ट्रायल करवाया जा रहा है। ये सारी पसंद आया था, बट अभी वो कांजी। देखिए इतना सुंदर सा, क्या बोले, इतना अच्छा लगे मुझे। देखिए पिनअप वगैरह भी नहीं करना पड़ता, आप लोग कहते हैं एक घंटा लगता पहनने में, कितना जल्दी। भाई साहब, अवार्ड मिलेगा आपको। जाना चाहिए आपको इंडिया गॉट टैलेंट में। मामा। तो गाइस, ये दो मिनट में सारी पहना के रेडी कर दी भाई। बढ़िया यार, यही ट्रिक। मामा, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? 20 साल। अरे यार चलो, 45 की हो? नहीं, हमारी एज की हो, हमारे 17 उम्र है। 20 साल का एक्सपीरियंस। फ्रंट लुक से भी कीजिएगा। देख कितनी अच्छी लग रही है। हम बोल रहे एक साड़ी आप लो, मैं छोड़ के जाऊँ। अफसोस लगे, नेक्स्ट टाइम दिख जाएगा ना फिर। अब देखिए कितना सेल हो जाएगा। यहाँ पर लोग ऐसे ही पहुँचेंगे। तो गाइज, सच में जबरदस्त कलेक्शन है यहाँ पे, और अभी चल भी रहा है बहुत सारा फेस्टिवल सीजन, तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे। देख सकते हैं 40% की भारी छूट। हमारा नाम लीजिएगा तो 2-4% और छूट मिल जाएगा। तो गाइज देख लीजिए, शॉपिंग हो गई है। 2-3 साड़ियाँ लिए हैं, और ये लोग भाई साहब दौरा में डेक धरते धरते आ रहे हैं। इनके चक्कर में तो और लेट हो जाएगा। तितली का एक नया खिलौना है, क्यों है? ये लो ये लो ये लो, तितली का एक नया, ये तुम ले। तो भारी हो गया है ऊपर से ये। चलो चलो आ जाओ मेरे पास, चलो तुम। तो गाइस, आप पैसा सब खत्म हो गया, बारी है भीख मांगने की। तो देख लीजिए कितने सारे भीख मांगे लोगों को। भिखारी बने पड़े, सबसे बड़ा भिखारी। गाइस, अभी शॉपिंग भी मस्त कर लिए हम लोग, और थोड़ा बहुत स्नैक्स भी खा लिए। और यहाँ पर देखिए आंटी जी लोग सभी हम लोग बैठे हुए, अभी हमारी फैमिली डॉक्टर उनके पास बैठे हुए हैं। तितली को देखिए, इसको बाहर मिल जाता है एकदम मस्त। ये बिछल रही है मजे से। तो अभी हम लोग यहाँ से बस थोड़ी देर में मैम से मिलेंगे और फिर घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। लेकिन रास्ते में भी और भी बहुत कुछ बाकी है। हाँ बताइए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये देख रही हूँ, ऊपर दिख रही है। और आप क्या कहना चाहते हैं? गाइस, आप लोग बता दो कि बुगी के लिए कोई लड़की हो तो बताइए मुझे, नजर में बुगी के नजर में कोई हो तो। पहले उनका ना होगा, देख। पहले इनका होगा, पहले तुम्हारा होगा। पहले तितली की शादी करवा दी है, लड़की नहीं मिलेगी। हाँ, कहता है कि अगर हमको लैम्बोर्गिनी मिलेगा तो हम शादी कर लेंगे। हाँ जी, एनीवे गाइस, आप लोग बने रहे हमारी तितली को देखिए। तितली को देखिए इधर, यस, खुरपाती कर रही है अपना। मम्मी इसकी बैठी हुई है, आंटी जी भी है इधर, हमारे कार्तिक चाचू भी है। तो आप लोग बने रहेंगे ब्लॉग में। हे फैमिली, तो एक बार फिर से स्वागत है। और कल तो पटना से हम लोग खूब सारा तितली, जैसे मैं हे फैमिली बोलती हूँ ना, तितली का अलग ही स्माइल होता है चेहरे पे। तो पटना पे हम लोग खूब सारा मस्ती किया है ना, कभी और शॉपिंग वगैरह भी की है, टॉयलेट कर दिया है। नहीं, टॉयलेट नहीं किया। तो कल पटना में हम लोग बहुत सारा मस्ती किए, बुकी भी बहुत मस्ती किए, क्योंकि हम लोग का जब भी डॉक्टर के पास ही जाना होता है, लेकिन हम लोग मस्ती इतना ज्यादा करते हैं ना, जाके क्या ही बताएं। टाइम की कमी के कारण, अरे बाप रे, टाइम की कमी के कारण थोड़ा बहुत हम लोग और भी जो सब काम था या फिर किसी से मिलना था वो नहीं हो पाया। अगली बार कोशिश करेंगे कि मतलब पूरा समय लेके जाए और सारा जो काम है वो सब करें। बट मेनली गए थे हम लोग देवरानी के लिए, शॉपिंग वगैरह करना था, क्योंकि छठ में जाता है कपड़ा लड़की के लिए, छठ हो दीपावली हो, तो ये सब कपड़ा वगैरह जाता है शादी से पहले, अगर साथ मतलब फिक्स हो जाता है तो सोचे थे कि उधर से ले लेंगे, लेकिन इतना समय कम था ना, क्या ही बताए कि ले नहीं पाए। बट
मम्मी जी के लिए मैंने एक साड़ी लिया है और मम्मी जी को अभी कोई आइडिया नहीं कि मैंने उनके लिए प्यारा सा साड़ी लिया है। सूती का कॉटन साड़ी है क्योंकि छठ पूजा करते समय ना दो तीन साड़ियों की जरूरत पड़ती है, दो तीन क्या तीन चार तो लग ही जाता है, नया नया कोरा साड़ी जिसे कहते हैं, हर्षित मत कीजिए। तो मैंने उनके लिए एक साड़ी लिया, उनको अभी पता भी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मम्मी के लिए मैंने ये सरप्राइज रखा है और मम्मी अभी लेटी हुई ही है क्योंकि उनका तबीयत भी थोड़ा सा सही नहीं है, हो सके तो शाम को डॉक्टर के पास भी लेके जाना पड़े, है ना बुगी। तो गाइस बुगी मेरे मस्ती पार्टनर है और वो मैडम को देखिए जैसे मतलब क्या ही बताऊं मैं, ये जितना शरारती ये है ना तितली को इतना शरारती ये बनाते जा रहे हैं और मुझे डर है कि कहीं 6 महीने 1 साल में ये पूरा ये बने, जैसे जैसे ये सिखाते हैं वैसे वैसे ये करती है। हर्षित नो फुरफुराना सिखा दी तो गाइस जैसे जैसे ये करते कॉपी कैट है वैसे वैसे नो बेटा नो। चलिए गाइस अभी मैं आप लोगों को वो साड़ी दिखाती है जो मैंने मम्मी जी के लिए लिया है, बट अभी उनको कोई आइडिया नहीं है, वो मुझे ऐसे बोल रही थी कि एक दो मतलब साड़ी तो ऐसे हम लोग गए थे बनारस तो लिए ही थे, बट फिर भी उनको मन था कि कॉटन का कोई साड़ी हो जिसे वो पहन के छठ कर पाए क्योंकि कॉटन साड़ीज में थोड़ा कम्फर्टेबल रहता है, बाकी सब साड़ीज होता है ना वो सब हेवी होता है तो वैसा उनको साड़ी चाहिए, तो वो बोल रही थी तो सोचा मैंने कि यही ले लेते हैं मम्मी जी के लिए, और अभी खुद का भी शॉपिंग नहीं हुआ तो पहले मम्मी जी को दिखाती हूँ। लाके छुपा के ही रखी हूँ क्योंकि छुपा के रखी हूँ क्योंकि मम्मी जी का बर्थडे आने वाला है और सोचा कि बर्थडे पे ही मैं इसे गिफ्ट करूँगी, उनको तो सरप्राइज होना ही, बट बात यह है कि बर्थडे छठ पूजा से कुछ दिन पहले ही है तो अगर इसका सब मैचिंग भी सब कुछ लेना होगा तो उस समय अगर दूंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए सोच रही हूँ कि अभी ही दे दूंगी बट शाम तक उनको दे दूंगी, वो अपना सब कुछ मैचिंग करेंगे। एक प्यारा सा फोटो लगा हुआ है ये देख सकते हैं, ऐसा ही टाइप का है, बहुत खूबसूरत लगा मुझे, छोटी मम्मी को भी पसंद आया ये साड़ी। तो ये ये वाली साड़ी लिया है मम्मी जी को, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या। बहुत मुश्किल होता है वीडियो शूट करने में, एक तो तितली इतना चिल्लाती है, ऊपर से ये है, ऊपर से मेन रोड का हॉर्न का आवाज। तो गाइस ये वाली साड़ी उनके लिए छठ पूजा इसी से करेंगी, तो मेरे तरफ से मम्मी जी को गिफ्ट रहा बर्थडे गिफ्ट कम छठ पूजा गिफ्ट। अभी तक तो हम लोग का शॉपिंग नहीं हो पाया, अब देखते हैं एक दिन जाएंगे टाइम लेकर पूरा अच्छे से और आसपास में ही से ले लेंगे क्योंकि पटना आओ जाओ फिर शॉपिंग करो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, तितली इतनी छोटी है और खाना वगैरह भी इसका बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा तबीयत भी नहीं है सर्दी जुकाम के कारण इसका भी, मतलब आप लोग समझते ही होंगे घर में अगर छोटा बच्चा क्या, अगर बड़ों को भी हालत ख़राब है सर्दी जुकाम से तो ये तो इतनी छोटी है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये प्यारा सा साड़ी कैसा लगा, सिंपल सा ये कॉटन का है, सिंपल एंड सोवर है तो मुझे अच्छा लगा ले लिया, मम्मी जी को अभी तक तो नहीं दिखाया, उनको दिखाएंगे उनका रिएक्शन भी लेंगे कि उनको कैसा लग रहा है, आज शाम को मम्मी जी को दे दिए। तो गाइस कल पटना में भी एक दो सब्सक्राइबर मिले थे तो उन लोग से भी मिले, बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिलके, अच्छा लगता है कहीं भी कोई मिल जाता है और प्रेज करता है कि आपकी वीडियो देखते हैं ना, खुशी सी होती है, अलग ही खुशी होती है। तो आशा करते हैं ये प्यारा सा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, खूब सारा प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा एंड तितली को हमारे खूब सारा ब्लेसिंग भी दीजिएगा। चलिए आई लव यू ऑल, बाय बाय।